दारी अगर कुछ अच्छा करने की ठान ले तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इस खबर को देखने के बाद आपको कुछ ऐसा ही लगेगा। ये खबर है बाराबंकी में हिदायत नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी सूचना सुरौली गौसपुर SDM को थी। इन्होंने सूचना को पक्का करने के लिए पहले अपने कुछ लेखपालों को मरीज बनाकर भेजा और फिर खुद ही पहुंच गए औचक निरीक्षण करने। अस्पताल में पहुंचते ही सबसे पहले इन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया तो डॉक्टर नदारत मिले। इसके बाद इन्होंने अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। अस्पताल गंदगी से पटा पड़ा था। दवाइयां बाहर से लिखी जा रही थी। पर्चा बनाने वाला फुटकर पैसे ना होने का बहाना करके ज्यादा पैसे ले रहा था। साथ ही कई मरीजों ने भी SDM से शिकायत भी की। नहीं तो क्या लगाएगा इशू यहाँ पे? नहीं लगाएगी। किसने कहा नहीं लगेगी? डॉक्टर कहे। तो आपने दोबारा लगाया कहीं सुई? हम प्राइवेट लाल कर लगवावा एक सुई। कितने मिले? 340 का। किसने लिखा था यहाँ? जब यहाँ लिखे नहीं साहब, लिखते नहीं, कहा थे सुई नहीं है। कहाँ से आपने सुई ली थी? हम गेट पर से लाए। कहाँ रहते हैं? कस्बा चौधरी। क्या नाम है? बंसीलाल। आपने शिकायत की कहीं? हाँ, SDM साहब आए, उनसे शिकायत किया। अस्पताल के हालात को देखकर SDM ने स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही गैर हाजिर डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भी लिख दिया। इनकी उपस्थिति पंजिका की जांच की, इसमें कई सारे डॉक्टर जो है अनुपस्थित पाए गए। कुछ डॉक्टर 2-3 दिन से अनुपस्थित है, उनका अटेंडेंस लिस्ट पे साइन नहीं है। कई साइन ऐसे पाए गए जो फेक लगते हैं, हर दिन अलग अलग तरीके के साइन है। इसके अलावा जो मरीजों को जो पर्चियाँ पर दवाइयाँ लिखी जा रही हैं वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, उनके बाहर की दवाइयाँ जो है लिखी जा रही हैं। इसमें हमने अपने स्टाफ लेखपालों को भेजा था बीमारी बता के दवाइयाँ लिखवाने की। उसमें पाया गया कि अधिकांश दवाइयाँ बाहर से जो है लिखी जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लेबर रूम है उसमें काफ़ी गंदगी पाई गई, बेडशीट मेंटेन नहीं थी, टॉयलेट भी उसके बगल में जो कंपलसरी होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, क्योंकि उपयुक्त नहीं था। तो इसमें जो भी संबंधित स्टाफ और ऑफिसर है कार्रवाई की। इस तरह से SDM सरौली गोसपुर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और सख्त कार्रवाई की बात की। उसको देखकर यही लगता है कि अगर ऐसे ही अधिकारी काम करने लगे तो सब कुछ दुरुस्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाराबंकी में लक्ष्मण तिवारी के साथ महमूद आलम, न्यूज 75.8।